हिप हॉप बंडल एंड सकुरा बंडल वापस आ रहा है। ये चीज मैं नहीं, गरीना फ्री फायर के ऑफिशियल्स यानी कि गरीना फ्री फायर के मॉड्स खुद से बोल रहे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम ग्रुप में। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्क्रीनशॉट। ये खबर ना जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी है। अच्छी उन लोगों के लिए जो नए प्लेयर्स इस गेम के अंदर जिनके पास हिप हॉप नहीं है, बुरी उन पुराने प्लेयर्स के लिए जिन लोगों ने उस टाइम मेहनत करके कितने सारे पापड़ बेल के सीजन 2 इलीट पास लिया था। उनमें से एक मैं भी हूँ भाई, मेरा दुख ना अभी मैं ही समझ सकता हूँ और मेरे जैसे जितने भी सीजन 2 प्लेयर्स हैं वही समझ सकते हैं। बाकी नए प्लेयर्स के लिए तो ये पार्टी हो गया। अब देखो तुम जितना खुश हो रहे हो ना उतना ही बड़ा तुमको मैं गम देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो टन 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 अब देखो इस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद ना ये 110% श्योर हो गया है कि फ्री फायर में हिप हॉप बंडल एंड सकुरा बंडल यानी कि सीजन 1 बंडल एंड सीजन 2 बंडल वापस आ रहा है। बट साथ ही साथ कब आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, देखो ये समझो तुम न्यू ईयर के टाइम पे शायद से इसका एक अलग सा इवेंट देंगे, ये न्यू ईयर स्पेशल जहां पे तुमको हिप हॉप बंडल एंड जो अपना सकुरा बंडल है वो देखने को मिलेगा और जिसके अंदर अच्छे खासे डायमंड लगने वाले हैं। मतलब 10,000 डायमंड, 5,000 से लेकर 10,000 डायमंड के बीच तुम आराम से मान के रखो क्योंकि ये फ्री फायर है, इधर सस्ते में ना कुछ नहीं होता है। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ भाई, अभी लीटर के हिसाब से ना गरीना बरसात कर रहा है किस चीज की, ओल्ड बंडल्स की, और किलो के हिसाब से जस्टिस दे रहा है। तुम लोगों को याद होगा जुलाई के टाइम की बात है, 2021 था वो साल जिस टाइम पूरे तरीके से हर तरफ चल रहा था जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर, जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर। अब वो चीज जो था ना पूरे तरीके से सही नहीं तो पूरे तरीके से गलत भी नहीं था। ये चीज मैं नहीं बोलता हूँ कि वो चीज 100% गलत था, बट थोड़ी सी गलती थी उसके अंदर भी। बट अगर उस टाइम के हिसाब से तुम देखोगे ना कंपेरिजन करके बाकी सर्वर में और इंडियन सर्वर में, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी कंपैरिजन की पाकिस्तान सर्वर, मीना सर्वर और कितनी सारी, उस समय ना सबसे कम इवेंट और सबसे बेकार इवेंट हमारे इंडियन सर्वर में आता था। लेकिन तुम अभी देखोगे फ्री फायर बैन के बाद यानी फरवरी के बाद से, फरवरी 2022 के बाद से भाई भंडारा हो गया पूरे तरीके से। मतलब हर तरफ देखो इवेंट पे इवेंट आ रहे हैं, कभी रेड क्रिमिनल दे दिया, कभी ग्रीन क्रिमिनल दे दिया, कभी पर्पल क्रिमिनल दे दिया, कभी बनी इनक्यूबेटर वापस आ गया भाई, वाइट 444 और राई का बंडल वापस आ गया, बनी MP40 जो इतना रेयर था गेम में सबसे रेयर स्किन वो भी आ गया, गोल्डन सेड बंडल आ गया, और तो और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जैसे में तुम्हारा क्लाउन वाला इंक्यूबेटर हो गया वो भी बहुत जल्द वापस आ जाएगा। तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बैन के बाद कुछ ज्यादा ही जस्टिस मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसका सबसे बड़ा रीजन है ना गेम अभी ऑफिशियली बैन है और बहुत सारे जो होशियार प्लेयर्स हैं मेरे जैसे या लोगों ने क्विट कर दिया और नहीं तो अगर खेल भी रहे ना तो टॉपअप नहीं कर रहे हैं। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि लास्ट 6 महीने मैंने कितना टॉपअप किया है तो 0। मैं बस मंथली मेंबरशिप और वीकली मेंबरशिप लेता हूँ, बस बात खत्म। उससे जितने डायमंड होते उससे थोड़े मोरे इवेंट निकाल लेता हूँ और इलीट पासेज निकाल लेता हूँ, वो गलत भी नहीं है क्योंकि मैं अर्न कर रहा हूँ भाई यूट्यूब से कितना गुना ज्यादा। बट तुम लोग क्या तुम लोग इस गेम से अर्न कर रहे हो? नहीं ना, लेकिन तुम लोग अपने घर से पैसा लगा रहे हो, गेम में टॉपअप कर रहे हो, दवा दवा के टॉपअप कर रहे हो। तुम लोग क्या हो रहा है, तुम लोग पिघल जा रहे हो बंडल्स देख के। कल को हिप हॉप बंडल आ जाएगा, मेरे को पता है तुम सारे लोग निकालोगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इन सारी चीजों को करने का, आखिर ऐसा क्यों? देखो गेम जो है ना बैन है, ठीक है, और कब तक अनबैन होगा हम लोगों को नहीं पता और कब बैन भी हो जाए ना ये भी नहीं पता। अभी तो तुम गेम खेल पा रहे हो तो तुमको कुछ उतना पता नहीं लग रहा है कि भाई गेम बैन है कि अनबैन है। लेकिन मैं सही बता रहा किस टाइम किस समय फ्री फायर के सर्वर को शट डाउन कर दिया जाए इंडिया से, वो कभी भी हो सकता कल सुबह ही हो जाए, हो सकता आज रात को ही हो जाए, मतलब देश और गेम दोनों संकट में है। मैं नहीं बचेगा इधर, इधर ही सोने के बाद जाएगा मैं। अभी यही बोलूंगा भाई टॉप अप से दूर रहो क्योंकि गरीना वाले इतने सारे पुरानी पुरानी चीजें इंडियन सर्वर में इसलिए ला रहे हैं कि तुम्हारे जैसे गधे प्लेयर्स गेम में टॉप अप करे और हमारा जो नो टॉप अप आंदोलन हो उसको तोड़ा जा सके। बट तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई #NoTopUp। देखो ये चीज ना मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम टॉप अप करोगे ना तुम्हारा पैसा जाएगा, तुम्हारे अब्बा का पैसा जाएगा, तो बस इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। अब देखो ये सारी बातें ना बाकी यूट्यूबर्स तुमको देखते हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि 90% के गले में तो लगा हुआ है सी बैच वाला पट्टा, तो वो ये सारी चीजों के खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं तो उनको पार्टनर प्रोग्राम से भाई पहली फुर्सत में किक कर दिया जाएगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर।
अब पार्टनर प्रोग्राम की बात कर रहे थे, एक और चीज मेरे को याद आया, तुम लोगों को याद होगा स्ट्रीमथॉन होता है, कभी स्कार का गिव अवे, कभी ब्रेक डांसर बंडल का गिव अवे, कभी बनी का गिव अवे, कभी बनी बंडल का गिव अवे, इस तरीके से गिव अवे चलते रहते हैं, तुम लोगों को पता है, जो पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूबर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमर मैराथन, ठीक है। तो वो चीज भी आने वाला है सून, और इसका रिप्लाई तुमको इसी मैसेज में दिख जाएगा। अगर तुम यहाँ पे सही से देखो तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया कि कुछ और है जो आप पूछ सकते हैं, और तुम लोगों को पता होगा ऑलमोस्ट एक साल हो गया और स्ट्रीमथॉन नहीं हुआ है, जो कि चार महीने में एक बार हमेशा होता था, बट बहुत जल्द वो भी होने वाला। अब उसके अंदर कौन सी बंडल आएगी, क्या आएगी, ये तो मेरे को नहीं पता। मैं तो बोलता हूँ भाई सीजन टू का गिव अवे करवा दो स्ट्रीमथॉन में, लेकिन स्ट्रीमथॉन जो हो ना वो फ्री फायर के जो पार्टनर क्रिएटर है उनके चैनल पे नहीं, फ्री फायर के मेन चैनल पे हो, मेन चैनल पे होगा भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ 5 लाख की वाचिंग टच होगी। मैं लिख के देता हूँ अगर सीजन टू का गिव अवे इन लोगों ने करा ना लाइव में अपने चैनल पे, 5 लाख की वाचिंग आने वाली है, ये चीज मैं गारंटी लिख के देता हूँ। और ये चीज अगर ये एक बार करवाते हैं ना, इससे गेम कहीं ना कहीं उठेगा। तो मानो या ना मानो जो पुराने प्लेयर्स गेम को क्विट करके भी जा चुके होंगे ना, वो भी आएंगे एक टाइम को गेम खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है गेम को वापस से रिवाइव करने का। अब पता नहीं गरीना का दिमाग कहाँ है घुटनों में, इसलिए बोलता हूँ मेरे को हायर कर लो, बहुत अच्छे अच्छे खतरनाक खतरनाक आइडियाज तुमको मैं देता रहूंगा। और फ्री फायर से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है, बिग अपडेट, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, स्प्रेड लव, हैशटैग नो टॉप अप। पापा की परी, मैच्योर कब होगी मेरे पापा की परी, इशू की बात करनी तो मैं जोक्स लेके आऊंगा, मुझको कैसे बोला अब मैं मम्मी को बताऊंगा। पापा की परी।